चंपावत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बूथों का जायजा लेने निकले सीएम धामी। पूर्व विधायक कैलाश गतौड़ी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो सीधा चंपावत से आ रही है। बनबसा के गुमदी मतदान केंद्र पहुंचे सीएम धामी और कैलाश गतौड़ी। सीएम धामी ने लिया चुनाव व्यवस्था का जायजा, लोगों से मुलाकात कर किया अभिवादन। मुख्यमंत्री अपने घर खटीमा से पहले बनबसा के भाजपा कार्यालय पहुंचे। भाजपा कार्यालय से कैलाश गतौड़ी के साथ मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा चंपावत से। आपको बता दें कि बूथों का जायजा लेने के लिए सीएम धामी निकल पड़े हैं। साथ ही आपको बता दें कि कैलाश गतौड़ी जी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बूथों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बनबसा के गुमदी मतदान केंद्र में पहुंचे सीएम धामी और कैलाश गतौड़ी। सीएम धामी ने लिया चुनाव व्यवस्था का जायजा। जिस तरीके से तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं सीएम धामी को, लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की है, पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने घर खटीमा से पहले बनबसा के भाजपा कार्यालय पहुंचे, उसके बाद पोलिंग बूथों पर जाने की प्रक्रिया उनकी लगातार जारी है। बता दें कि बूथों का जायजा लेने के लिए सीएम धामी निकल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधा चंपावत से सामने आ रही है। देखिए, चुनावी बिगुल फूक चुका है, उपचुनाव का जो बिगुल है, और 7 बजे से मतदान करने के लिए लोग लगातार भारी संख्या में हर एक बूथ पर पहुंच रहे हैं। सभी बूथों की व्यवस्थाओं को जो है निरीक्षण कर लिया गया है, सभी जगह पर तैयारी पूरी कर ली गई है और लगातार वोटिंग प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है और 5 बजे तक लोग वोट देते रहेंगे। व्यवस्था का जायजा, लोगों से मुलाकात कर अभिवादन। बता दें कि लोगों से मुलाकात कर पुष्कर सिंह धामी ने अभिवादन किया है, बूथों का जायजा लिया है, लोगों से लगातार मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए, खटीमा से हार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये जो अवसर प्रदान हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले से ही काफी तैयार नजर आ रहे थे। जिस तरीके से खटीमा की हार पर मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था कि वो सभी जगह जो विधायक थे उनको जिताने के लिए मशरूफ थे, लेकिन वो अपने ही जो खटीमा विधानसभा में नहीं घूम पाए, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए, जिस वजह से वो लोगों को अपनी बात को नहीं समझा पाए, इसलिए लोग उन्हें वोट नहीं दे पाए थे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर एक कदम फूंक फूंक कर रखा है और लगातार लोगों से मुलाकात की है। जिस तरीके से कल भी खबरें सामने आई थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बाइक पर देखा गया, लोगों के घरों में जाकर वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, और आज बूथों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो सीधा चंपावत से आ रही है।